आईपीएल का सीजन चल रहा है और अभी आप सभी जियो सिनेमा के नो चार्ज फैसिलिटी का इस्तेमाल करके कहीं भी कभी भी आईपीएल देख रहे होंगे, लेकिन अब ये फ्री में देखने का समय बस कुछ ही दिनों में जाने वाला है। अरे वो इसलिए क्योंकि आईपीएल के खत्म होते ही जियो सिनेमा चार्ज वसूलना जो शुरू कर देगा। ये तो हम जानते ही हैं कि जियो सिनेमा रिलायंस इंडस्ट्री का ओटीटी प्लेटफॉर्म है और इसके पास आईपीएल के डिजिटल राइट्स भी हैं। अब इसके कंटेंट के लिए आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। जियो सिनेमा आईपीएल के अंत तक इसे शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मुकेश अंबानी ने कई साल के सब्सक्रिप्शन सिस्टम को तोड़ते हुए जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल दिखाने को ऑफर किया और रिकॉर्ड व्यू भी हासिल किया। अब इस प्लेटफॉर्म पर 100 से ज्यादा फिल्म्स और टीवी सीरियल जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। इसका एम है वॉल्ट डिज्नी और नेटफ्लिक्स जैसे दिग्गजों को टक्कर देना। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस के मीडिया और कंटेंट बिजनेसमैन की प्रेसिडेंट ज्योति देशपांडे ने इंटरव्यू में बताया कि जियो सिनेमा के एक्सपेंशन के बाद चार्ज भी लेना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी प्राइस स्ट्रेटेजी तय नहीं हुई है, जो कि जल्द ही तय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले महीने आईपीएल खत्म होने से पहले नए टाइटल पेश किए जाएंगे और तब तक व्यूअर्स फ्री में मैच देख सकेंगे। आईपीएल के बाद जियो सिनेमा पर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज लगाए जाएंगे वो कितने होंगे, इस पर अभी कंपनी सोच रही है। वो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। क्या आप भी इस बार का आईपीएल देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।